सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको गोवर्धन पूजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। दीपावली का अगला दिन यानी गोवर्धन पूजा का दिन। दीपावली की अगली सुबह गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में काफ़ी महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गौधन यानी गायों की भी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोकप्रिय कथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में हुआ यूं कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किसकी पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते और पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं, अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधर श्री कृष्ण की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे, सब इनका कहना मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुला लिया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता, अतः वे ब्रह्मा जी के पास गए और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं वो स्वयं भगवान विष्णु हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकार के कारण मैं भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा करके उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है और उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। इसी तरह गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो मित्रों, गोवर्धन पूजा के संबंध में आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आप मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।